कि दुपट्टा के अटका सांकल में, दुपट्टा के अटका साकल में कम वक्त लगा दर पर तुम खड़े। और एक शेर है कि कुछ जख्म अब पायाब हैं, मतलब कम गहरे, तो कुछ जख्म अब पायाब हैं, कुछ हैं अभी ताजे ही, कुछ जख्म अब पायाब हैं, कुछ हैं अभी ताजे ही, खिड़कियों से तो अब भी झांकने आ जाता है वो, बंद दिखते हैं उसके बस दरवाजे। तो मोहब्बत की बातें चल रही हैं, तो मेरे लिए अगर कहूँ मोहब्बत करना यहाँ इस स्टेज पे खड़े होने के जैसा ही है, क्योंकि मैं दोनों में नर्वस होती हूँ। हाँ, मैं दोनों में नर्वस होती हूँ, इसीलिए मतलब वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, तो बस इतना मैंने समझ लिया। तो इसी पर एक शेर है कि इश्क से मिलकर देखा था, इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गए, इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया, कुर्बत में लाश छोड़कर कब्र मिट्टी से भर गया। कि इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया, कुर्बत में लाश छोड़कर कब्र मिट्टी से भर गया। प्यार के जो है बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो मैं ना तो ब्रेकअप पे सुना रही हूँ, ना ही मैं हैशटैग कपल गोल्स पे सुना रही हूँ, बट हाँ, ना तो मैं ब्रेकअप पे सुना रही हूँ, ना ही मैं मतलब कपल गोल्स पे सुना रही हूँ, बट हाँ आप लोग शायद कहीं ना कहीं तो रिलेट कर ही लोगे। तो एक शेर है कि अब उससे बात नहीं करनी, अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी, अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी है, दिन दिन दे दिया ए जिंदगी तुझे अपना, मगर रात उसी की करनी है, मगर रात, दिन दे दिया ए जिंदगी तुझे अपना, मगर रात उसी की करनी है। और बख्शे अगर मुफ्त में, बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों का। बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों का, मुझे बदतमीजियां बस बर्दाश्त उसी की करनी है। मुझे बदतमीजियां बस बर्दाश्त उसी की करनी है। तो एक छोटी सी कविता है, कविता का नाम है उसे पसंद है, ये कविता का नाम है उसे पसंद है। हाँ, तो इसको शुरू करने से पहले इसका छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ आप लोग को। ये कविता सुनते टाइम शायद आप लोग को लगे कि ये जो कविता है ये साक्षात आपके सामने खड़ी है, तो प्लीज़ उस गलत फहमी पर यकीन मत करिएगा, ठीक है। तो उसे पसंद है। बातें बेहिसाब बता, बातें बेहिसाब बताना, कुछ कहते कहते चुप हो जाना, बातें बेहिसाब बताना, कुछ कहते कहते चुप हो जाना, उसे जताना उसे सुनाना, वो कहता है उसे पसंद है, उसे जताना उसे सुनाना, वो कहता है उसे पसंद है, ये निगाहें खुला मैखाना है, ये चश्मों की वजह से लाइन की इंटेंसिटी को जज मत करना। हाँ, तो ये निगाहें खुला मैखाना है, वो कहता है दरबान बिठा लो, ये निगाहें खुला मैखाना है, वो कहता है दरबान बिठा लो, हल्का सा, बस हल्का सा, वो कहता है तुम काजल लगा लो। हल्का सा, बस हल्का सा, वो कहता है तुम काजल लगा लो। वैसे ये मेरा शौक नहीं, पर हाँ उसे पसंद है। दुपट्टा
एक तरफ ही डाला है। अब ये मैंने आपको बताया था कि प्लीज उस गलत फहमी पे यकीन मत करना, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो दुपट्टा एक तरफ ही डाला है, उसने कहा था कि सूट सादा ही पहन लो, बेशक तुम्हारी तो सूरत से उजाला है। सूट सादा ही पहन लो, बेशक तुम्हारी तो सूरत से उजाला है, तुम्हारे होंठों के पास जो तिल काला है, बताया था उसने उसे पसंद है। वो मिलता है तो हंस देती हूँ, वो मिलता है तो हंस देती हूँ, चलते चलते हाथ थाम कर उससे बेपरवाह सब कहती हूँ, चलते चलते हाथ थाम कर उससे बेपरवाह सब कहती हूँ, और सोहबत में उसकी जब चलती हैं हवाएं, मैं हवाओं सी मध्यम बहती। मैं हवाओं सी मध्यम बहती हूँ, मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना, मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना, मेरा जाते जाते यूं मुड़कर देखना। मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना, मेरा जाते जाते यूं मुड़कर देखना, और वो गुजरे जब इन गलियों से, मेरा खिड़की से छत से छुप कर देखना, हाँ उसे पसंद है। जुल्फों को खुला ही रख लेती हूँ, ये भी कोइंसिडेंस है। जुल्फों को खुला ही रख लेती हूँ, उसके कुल्हड़ से चाय चख लेती हूँ। जुल्फों को खुला ही रख लेती हूँ, उसके कुल्हड़ से चाय चख लेती हूँ, मैं मंदिर में सर जब ढक लेती हूँ, वो कहता है उसे पसंद है। इस कविता की ये कुछ आखिरी पंक्तियां हैं कि ये झुमका उसकी पसंद का है। हाँ, ये भी इत्तेफाकी है, कोइंसिडेंस है ये। नहीं, कोइंसिडेंस ही है ये। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। लोग पूछते हैं सबब मेरी अदाओं का, मैं कहती हूँ उसे पसंद है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था निधि की तरफ से एक इश्क का पहलू। अगर आपके पास भी कोई इश्क का पहलू है और हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और अगर आपको ये पहलू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टू इंडल्ज इन रॉयल फीस्ट, ऑर्डर फ्रॉम behruzbiryani.com।